तेज खबर 24 में इस वक्त मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली में पहले कोरोना पॉजिटिव और बाद में निगेटिव पाए गए डॉक्टर राजेश सिंघल के संपर्क में आए दो लोगों की रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है। जी हाँ, रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बनाए गए लैब में हुई जाँच के दौरान जो आज सुबह रिपोर्ट आई है वो कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है। जिन दो लोगों की रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है उनमें डॉक्टर राजेश सिंघल की बहन और उनकी बेटी है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर राजेश सिंघल की बहन जो सतना में रहती हैं, जबकि बेटी उनके साथ दिल्ली में उसके बाद रीवा में थी, जिनका मेडिकल परीक्षण कराया गया था, जांच कराया गया था, दोनों ही लोगों की आज रिपोर्ट आई है और दोनों लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस अमला तैनात हो गया है, पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। दोनों को क्वारंटाइन कर अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर आरएस पांडे ने बताया कि डॉक्टर सिंघल के संपर्क में कुल 34 लोग आए थे जिनकी कोरोना जांच कराई गई थी। इन 34 लोगों में दो लोगों की आज रिपोर्ट आई है जिनको कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल अभी अन्य लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। हम आपको बता दें, महज कुछ ही घंटे पहले डॉक्टर राजेश सिंघल की पत्नी रेखा सिंघल ने एक वीडियो वायरल किया था। दिल्ली से एक मेडिकल रिपोर्ट वायरल हुई थी, एक उनका पत्र वायरल हुआ था जिसपे डॉक्टर राजेश सिंघल कि जो जांच रिपोर्ट आई थी उसको निगेटिव बताया गया था। इस संबंध में जब स्थानीय चिकित्सकों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि पहले जो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उस पर वो कोविड-19 पाए गए थे, क्योंकि वो शुरुआती दौर की रिपोर्ट थी। 3 दिन चले उपचार के दौरान हो सकता है कि डॉक्टर राजेश सिंघल रिकवर कर गए हों और उसके बाद जो उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया, जाँच कराया गया, उस पर रिपोर्ट निगेटिव पाई गई थी। फिलहाल यह रीवा जिले के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि डॉक्टर राजेश सिंघल की बहन और उनकी बेटी की जो जांच रिपोर्ट आई है, रीवा संजय गांधी अस्पताल में बनाए गए जांच सेंटर से जो रिपोर्ट आई है वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पूरा पुलिस और प्रशासनिक अमला एक्टिव हो गया है, इनको क्वारंटाइन किया गया है। एक बार फिर यह रीवा के लोगों के लिए बुरी खबर है। अब तक रीवा ग्रीन जोन में था, जहां किसी भी प्रकार के कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाए गए थे, लेकिन आज सुबह मंगलवार की सुबह आई मेडिकल रिपोर्ट में, जांच रिपोर्ट में दो लोगों को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। ये दोनों लोग डॉक्टर राजेश सिंघल की बहन और बेटियां हैं। सर, ये डॉक्टर सिंघल का मामला अभी ठंडाया नहीं था कि दो लोग और उसके परिवार के पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, क्या वहाँ? हाँ, सही है कि उनके परिवार से 2 सदस्य पॉजिटिव पाए गए। सर, ये कौन कौन है, ये कैसे संभव हो सकता है कि डॉक्टर सिंघल की वो रिपोर्ट निगेटिव आई हो, उनके दो परिवार के सदस्य पॉजिटिव? नहीं, डॉक्टर सिंघल की रिपोर्ट निगेटिव नहीं आई थी, पॉजिटिव भी आई थी। अब हो सकता है बाद में जो बताया जा रहा है कि रिपोर्ट निगेटिव है, उसके बारे में मैं उससे सत्यापित नहीं करता हूँ उस रिपोर्ट को कि निगेटिव है कि नहीं। निगेटिव भी होगी तो हो सकता है कि बाद में समय के साथ साथ बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया होगा और उसके कारण निगेटिव आ सकती है रिपोर्ट। बाकी जो अभी वर्तमान में 2 रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं उनके सदस्यों के। ये उनके सदस्य कौन कौन है सर, उनकी बहन है सर? नाम बताना संभव नहीं है। जी जी। अच्छा सर, ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऐसा इसका एक ट्रीटमेंट होता हो जो मेडिसिन देने के बाद इसके सिम्टम्स तब जाते हो और रिपोर्ट निकालने में ऐसा हो जाता हो? नहीं, दवाई देने से निश्चित बीमारी ठीक हो सकती है, तो सिम्टम भी दब जाते हैं। जी, तो सही है, हो सकता है। ऑथेंटिक किसको माना जाएगा सर रिपोर्ट को? जी, वो रिपोर्ट तो जो हमारे सामने है तो हम तो इसको ऑथेंटिक मानते हैं। वहाँ की रिपोर्ट्स के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, दिल्ली के रिपोर्ट। मतलब जो अभी 2 रिपोर्टें आई हैं वो सही है, उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं। नहीं सर, जो अभी 2 रिपोर्टें आई यहाँ, जो अभी वर्तमान में रीवा में जो 2 रिपोर्ट्स हैं वो सही हैं? वो सही। ठीक सर, थैंक यू।